नमस्कार, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के सृजन संसार से चुनकर कुछ नए गीत लाए हैं हम गीतांजलि के इस नए एपिसोड में। रवींद्रनाथ जी का दिल भावों से भरा हुआ था। ये पूर्णता कभी उनके मिलन सुरों तो कभी विरह वेदना की पीड़ा में सुनाई देती है। कवि के दिल में मिलने और बिछड़ने के भाव कूट कूट कर भरे हैं। अकेले में वो खुद से बातें करते या गीत लिखते और कभी कभी अकारण व्याकुल हो जाते। एक क्षण मानवीय अनुभूति में खो जाते हैं तो दूसरे क्षण आध्यात्मिक संसार में डूब जाते हैं। रात्रि समाप्त होने को है। रवींद्रनाथ जी जहाज से अमरीका जा रहे हैं। अशांत महासागर की हिलोरों से उनकी नींद खुल जाती है। वो डेक पर खुले आकाश में जाकर बैठते हैं। उगते सूरज के सुनहरे प्रकाश में उनका मुख चमक रहा है। रात्रि आके मिले जहां दिन के सागर से मेरा तुम्हारा मिलन हुआ है। आज उस संगम में इस पल श्वेत और शाम मिले, अंधेरे आलोक मिले और यहां पे लहर उठी इस पार तक उस पार से। रवींद्रनाथ जी गीतों की माला गूंजते रहते थे, फिर खोजते कि ये गीत किसे समर्पित करें। सुर में डूबते उतरते सोचते कि कौन है जो आनंद बिखेरता है, कौन है जो दूसरों से निराला है, कौन है जो कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है, और वो कौन है जो कभी आनंद तो कभी उदासी दे जाता है। ऐसे क्षणों में कवि ने ना जाने कितने ही दिवस रात्रि बिता दिए हैं। बहुत कुछ कहने गाने के लिए मेरा जी चाहता है। आनंद और अभिलाषाओं से मेरा मन भरा है। प्रातःकाल की ऊर्जा से भरा गीत लिए गीतांजलि पर्व पर आप सबको हमारा शुभ सुप्रभात।
आशा में रहती हूँ। कवि गुरु रविंद्रनाथ के पुत्र रथींद्रनाथ की किताबों से हमें कवि गुरु के लेखन की कुछ जानकारी मिलती है। वैसे तो लेखन दिन भर चलता, किंतु शाम होते होते उस पर गीतों का सृजन हावी हो जाता था। कवि गुरु सिलाईधा में होते तो वे कलकत्ते से अमला दीदी को बुला लेते। रात्रि भोज के पश्चात कवि गुरु और अनेक बंधु बजरे में पहुंचते। सुरेन दादा के हाथों में इस राज होता। बजरे को बीच नदी में ले जाकर लंगर डाल दिया जाता। फिर शुरू होती गीत गायन की महफिल। क्षितिज तक जहां दृष्टि जाती, अतः जल राशि, मनमोहक वातावरण, संगीत ध्वनियां, लहरों पर सवार किनारे जाती और किनारे से टकराकर लौट आती। गीतों के सुर, शब्द, कल कल ध्वनि, मंद मंद हवा तथा चांदनी से मिलकर अद्भुत इंद्रजालिक दृश्य बनता। बजरे में जलती दिए की लौ ऐसी लगती मानो समस्त चराचर को प्रेम का तिलक लगा रही हो। शिखा
रविंद्र संगीत और साहित्य का उद्देश्य है सुंदरता का निर्माण और उसका संधान। सुंदरता के इस पुजारी के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा कवि नहीं है जिसके लिए प्रियजन का विरह अन्य विरहों से अधिक सुंदर और मीठा है। घोर अंधकार, अधखुली आंखें, फूलों की खुशबू, ऐसे में प्रियतम की वाणी सुनने को आकुल कवि, प्रियतम की वाणी ना सुनने पर सजल होती आंखें, इन आंखों की पीड़ा अनजानी है। कवि मन एक अटूट प्यास से भरा है, वो इस अंधेरे अकेलेपन में सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है।
रविंद्रनाथ जी के गीतों की डाली पर हजारों फूल हैं, उन्हीं में से चुनकर कुछ फूल प्रस्तुत करेंगे हम आपकी खातिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिव्या दत्ता का प्यार भरा नमस्कार।